MIA1 कैमरा ट्रिक। हाय फ्रेंड्स, सिद्धार्थ हेयर फ्रॉम टेक्नोबस.net। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कैमरा की ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगी, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो वो छोटी सी एक ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है। कई बार क्या होता है, जो मैं इसको डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ कि क्या करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, MIA1 का जो फ़ोन है आपके पास, उसमें एक ट्रिक काम करती है। तो देखते हैं कैसे वो काम करती है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोबस.net चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें। तो कई बार क्या होता है, जब कभी भी आप कैमरे को ओपन करते हैं, कैमरे को ओपन करने के बाद आप फोटो लेने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, सेल्फी ले रहे हो तो जो फोटो क्लिक करने का जो बटन होता है उसको टैप करने के चक्कर में कई बार आपका कैमरा जो है हिल जाता है और फोटो ब्लर हो जाती है। तो क्योंकि होता क्या है कि आप फ़ोन को इस तरीके से पकड़ते हैं, कभी कभार सेल्फी लेने के लिए यहाँ तक आपका जो अंगूठा है वो नहीं पहुँच पाता, या कुछ तरीका होता है कि कुछ भी तरीके से आप फोटो लेने की कोशिश करते हैं तो वो क्लिक करने से पहले जो है आपका कैमरा जो है हिल जाता है और जो फोटो जो है ब्लर हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से फोटो को क्लिक कर सकते हैं किसी भी एंगल से। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जैसे आपको फोटो क्लिक करनी है तो आपको थंब यहाँ लाने की जरूरत नहीं है कि आपको यही बटन प्रेस करना है फोटो खींचने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर कहीं पर भी टैप करिए स्क्रीन के ऊपर, थोड़ी देर टैप करके रखेंगे और फोटो जो है अपना क्लिक हो जाएगी। ये देख पा रहे हैं, जो फोटो जो है एकदम से क्लिक हो गई है। तो इसी तरीके से आप कहीं पे भी स्क्रीन के ऊपर, चाहे सेल्फी ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी टैप करेंगे, थोड़ी देर आपको टैप करके रखना है बस। ये बस इस तरीके से आप आसानी से कभी भी बिना जो कैमरे क्लिक का जो बटन है उसको क्लिक किए हुए कहीं पर भी स्क्रीन को टैप करेंगे, आपकी फोटो जो है ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी। अगर आपको लगता है ब्राइटनेस कम है, ज़्यादा है, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस एरो के थ्रू, इस तरीके से, और अपनी फोटो को आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि आपको बार बार जो कई बार प्रॉब्लम होती है सेल्फी लेने में या कुछ भी लेने में, तो आपको ये कैमरे का जो क्लिक का बटन है इस पर टैप करना पड़ता है फोटो क्लिक, आप उसे क्या करना है स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करेंगे, फोटो जो है आपकी ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी। तो ये छोटी सी टिप्स थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। और काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिनों से ये पूछ रहे हैं कि फैब्रिक का जो सिक्योरिटी पैच है वो कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके ऊपर जो है शाओमी जो है MIA1 के जो सिक्योरिटी पैचेस पे काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो एक लिंक है हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप फैब्रिक के सिक्योरिटी पैच को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो एक बेटा टेस्टर का लिंक है जो बेटा टेस्टर को मिला था, मैं उसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ से आप फैब्रिक का जो सिक्योरिटी पैचेस को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो तो ये वीडियो आज इसी पर बंद करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।